में ईद पर बाजार गुलजार नजर आए। महिलाएं और बच्चों में ईद को लेकर काफी उत्साह देखा गया। कपड़े और जूते चप्पल आदि की दुकानों पर खासी भीड़ देखी जा सकती है। गौरतलब है कि 12 मार्च के पहले रोजे के साथ मुस्लिम समाज के पवित्र माह रमजान की शुरुआत की गई थी। रमजान माह में 3 दिन रोजा रखने के बाद ईद का त्यौहार मनाया जाता है। रमजान में मुस्लिम समुदाय इबादत में लगा रहता है, दिन में रोजा रखते हैं। सूरज डूबने पर रोजा अफ्तार किया जाता है। रात में सभी मस्जिदों में विशेष तरावीह की नमाज अदा की जाती है। ईद के दिन नमाज के बाद मुल्क में शहर में अमन शांति की दुआ के बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी जाती है। और क्या कहेंगे आप ईद के उस पे सब लोगों को क्या संदेश देंगे? नहीं, और अपन इस पे क्या लोगों को क्या कहेंगे? मुबारकबाद देंगे, शुभकामनाएं देंगे, सबसे गले मिलेंगे, सबको ईदी देंगे। है मेरा अंसारी। अंसारी जी, थोड़ा ईद के त्यौहार पे फोकस करें। भाई, ईद के त्यौहार हमें ये संदेश देता है कि हम एक दूसरे से आपस में भाईचारे से मिलजुल कर रहे हैं, और जो रमज़ान के 30 दिन के जो रोजे आते हैं उसके बाद ईद मनाई जाती है, उसमें हम दूसरे जो हमारे भाई लोग हैं, जो मुसलमान हैं, जो दूसरे जाति के समाज के लोग हैं, उनसे भी मिल कर आए हैं। और हम क्या